Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to start our new chapter, that is heat. Okay students, we are doing this chapter in two parts, do parts mein karenge. To iska first part hai ye, theek hai? Heat. Heat matlab hota kya hai heat? Heat kya hoti hai? Kaise measure karte hain? Theek hai? Kaise hum different हीट का कंडक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर हीट. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ये क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, आप बताइए मुझे, जब आप खाना बनाते हैं तो जो आप गैस ऑन करते हैं उस पर आप अपना जो भी है बर्नर पे अपना यूटेंसिल्स रखते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप गर्म हो जाता है. कैसे गर्म हो जाता है? वो तो ठंडा था. तो जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती रहती है, ठीक है. हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, दैट इज़ फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. जैसे आपने गैस ऑन की तो बर्नर का टेम्परेचर क्या है? हाई है, और वो आपके यूटेंसिल्स में चला गई क्योंकि वो ठंडा था, ठीक है. तो जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ से कम टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो मूव करती है, ठीक है. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे सन है, सन धरती को सारे को गर्म कर देता है, लैंड को हमारे को गर्म कर देता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है. कैसे? सन की रेडिएशन से, ठीक है. दूसरा, आप कोई मेटल रोड अगर कैंडल के वहाँ रखोगे, देखो ये वाला एग्जांपल जो आपका है कैंडल में रखोगे तो वो आपका आपने जो हिस्सा पकड़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ठीक है. ये एक अलग मेथड होता है, वो रेडिएशन थी, सन की रेडिएशन आ रही थी. अब इसमें आपने क्या किया, मेटल को आपने आग में रखा, ठीक है, फायर में रखा, तो वो फ्लेम में रखा तो वो उसको पूरे को गर्म कर दिया, ठीक है. कन्वेक्शन क्या है कि मतलब हवा में कैसे आग जला रखी है आपने तो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, ठीक है. ये कन्वेक्शन है, ये हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे सन गर्म था, उसने सारे एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रांसफ़र कर दिया. यहाँ पे क्या थी, कैंडल की फ्लेम गर्म थी, उसने उस रोड में हीट को ट्रांसफ़र कर दिया. यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो फायर की जो गर्मी थी, जो हीट थी, उसने ट्रांसफ़र कर दिया. ओके, तो डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है. अब टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर डिफरेंस? जब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा तो वो कहीं भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा. अब हीट ट्रांसफ़र होता कैसे है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो अपने टेम्परेचर को या अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी बॉडी में. ओके, नेक्स्ट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. अभी हमने आपने उस पीछे वाले डायग्राम में इसमें पढ़ा कि तीन तरह से, ये रेडिएशन से हो रही है, ये कंडक्शन से हो रही है, ये कन्वेक्शन से हो रही है. तो अब इसका मतलब तीन तरीके हो गए ना, ये हीट ट्रांसफ़र करने के तीन डिफरेंट तरीके हो गए. तो अब हम वही पढ़ेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र किस किस मोड से होती है? सबसे पहले कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, एंड बाय रेडिएशन. अब हीट ट्रांसफ़र सब में हो जाती है? आपने चाहे लकड़ी उठा रखी हो, चाहे आपने प्लास्टिक उठा रखी हो, सब में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. तो फिर जो हमारे हैंडल्स होते हैं आपके यूटेंसिल्स के, उनमें हीट ट्रांसफ़र तो नहीं होती है ना, वो तो गर्म नहीं होते. क्यों? क्योंकि वो मतलब एक स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. इसका मतलब क्या हुआ कि दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक जिनमें हीट ट्रांसफ़र होती है और एक जिनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. तो जो सब्सटेंसेस हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने अंदर से पास करना अलाउ करते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है. कंडक्टर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम.
लाइक मेटल, सिल्वर, आयरन। आयरन आयरन की आप रोड को एक तरफ से पकड़ोगे और दूसरी साइड को आग में डालोगे तो वो आपका हाथ भी जलेगा ना, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन वहीं आप लकड़ी की डंडी को पकड़ोगे, उसको आग में डालोगे, उधर से आग जल भी रही है लेकिन फिर भी आपको हाथ नहीं जलेगा जब तक वो आग आपके हाथ तक नहीं आ जाती। इसका मतलब वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो जो ट्रांसफर करते हैं हीट को, अपने अंदर से पास करना अलाउ करते हैं हीट का, वो होते हैं कंडक्टर्स, और जो नहीं पास करते वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो ये दो तीनों जो मेथड हैं हीट ट्रांसफर के, ये कंडक्टर्स में से ही होंगे, इंसुलेटर्स में से नहीं होंगे। इंसुलेटर्स तो हीट को पास ही नहीं करेंगे, है ना, तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। इसीलिए हमने इसमें आपको बताया कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आप प्रॉपर डेफिनेशन के साथ इनको लर्न कीजिए, ठीक है। आई रिपीट करती हूँ मैं ये सारा अगेन। हीट ट्रांसफर के थ्री मेथड्स होते हैं, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट अलाउ टू पास थ्रू देम, अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ओके। एग्जांपल्स आपको गिवन है, इंसुलेटर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अलाउ नहीं करते, ठीक है, वो होते हैं इंसुलेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंडक्शन क्या होता है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। अब जिसमें ज़्यादा पार्ट होगा पढ़ने का उसको हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, जिसमें कम होगा उसमें कम। सबसे पहले कंडक्शन क्या होता है, देखिए पहले ये वाला ना डायग्राम देखिए आप। इसमें क्या है, ये ना कोई रोड है, ठीक है। अब ये रोड है, इसमें ये बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ से आग आ रही है, ये गर्म हो रहे हैं, और यहाँ से ये इस हीट को इधर भी ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, ठीक है, हीट ट्रैवल कर रही है। देखो मॉलिक्यूल्स नहीं ट्रैवल कर रहे, क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तो टाइटली बाउंड होते हैं, रोड एक सॉलिड है तो वो खुद नहीं ट्रैवल कर रहे मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो हीट को मॉलिक्यूल्स के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या है, हॉटर एंड से, गर्म वाले एंड से ठंडे वाले एंड पे जा रही है हीट, लेकिन विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हीट ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स में वर्क करता है, ठीक है। अब आपको सेकंड एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, बर्नर है, बर्नर से हीट ट्रांसफर किया, यहाँ पे जो ये रेड पोर्शन आपको देख रहा है ना, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसी सॉलिड है आपका ये यूटेंसिल्स, और इसमें से फिर इसकी हैंडल पे चली गई हीट, तो क्या हो रहा, कंडक्शन हो रहा है ना, कि पहले यहाँ आई, फिर यहाँ से कंडक्ट करती हुई यहाँ चली गई, है ना। ऐसे ही आपका सारा जो यूटेंसिल है वो गर्म हो जाता है, कैसे, ड्यू टू हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, अब यहाँ देखो, देखो ये पार्टिकल्स है ना खुद मूव कर रहे हैं ना, इसमें ये इधर मूव कर रहा है, ये जो एरोज हैं ये यही शो कर रही है कि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं तो कन्वेक्शन होता है। अब ये किस में होता है, यहाँ पे देखो ये जो रेड वाली है ना, ये सारा वॉर्म है क्योंकि नीचे से आग जल रही है, फायर है नीचे, तो ये रेड वाले ऊपर जाते जाते हैं, और ये जो कूलर वाले ब्लू वाले हैं ये नीचे आ रहे हैं, ऐसे ये गर्म हो रहे हैं पानी, ठीक है। अब पढ़ो इसको, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। अब देखो सॉलिड्स में तो मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं करते क्योंकि वो टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड्स में उतने टाइटली पैक नहीं होते, हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सॉलिड्स में बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं तो वो मूव कर ही नहीं सकते, लेकिन लिक्विड्स में टाइटली पैक नहीं होते और गैसेस में तो बहुत फ्री होते हैं, है ना। तो ये क्या है कि जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट ट्रांसफर होती है तो वो होता है कन्वेक्शन, ठीक है।
mode of heat transfer in which heat energy is transferred from one part to another part by the actual movement of molecules of the medium. Convection is possible only in liquids and gases. क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मूव कर ही नहीं सकते, तो उनकी मूवमेंट होएगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए सॉलिड्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ लिक्विड्स में और गैसेस में होता है। अब हमारा पानी, पानी गर्म करते हो आप, ठीक है, आप अपने किसी भी बर्तन में डाल के पानी को गर्म करना, आपने गैस पे रखा, पहले पानी कहाँ का गर्म होगा, नीचे का, उसके बाद क्या होगा, अपने आप वो ऊपर का भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो रहा है कि जो नीचे पानी गर्म हो रहा है, इसमें देखिए जो नीचे वाला पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर जाता जा रहा है और जो ठंडा है वो नीचे आता जा रहा है, और ऐसे मूव करते करते सारा पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये जो आपको थर्ड एग्जांपल है ये वाला, ये गैसेस का है, ठीक है। वार्म गैसेस कहाँ जा रही है, ये देखो, ये आपका सोर्स है हीट का, ठीक है। तो वार्म गैसेस कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। कोल्ड कूलर गैसेस, कूल है जो गैस, वो नीचे आ रही है, वो यहाँ से फिर गर्म होकर फिर ऊपर जा रही है। तो ऐसे ये मूवमेंट होती रहती है और पूरा जो जितनी वहाँ पे गैस है वो सारी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको कन्वेक्शन आई थिंक समझ आ गया होगा। इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। इसमें क्या होता है, जो मीडियम होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद मूव कर करके हीट को ट्रांसफर करते हैं। कंडक्शन में क्या था कि वो सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही थी, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हो रहे थे। वो आप रिलेट भी कर सकते हो कि सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स मूव कर ही नहीं सकते क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड और गैसेस में मूव कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन ठीक है, कन्वेक्शन हो रही है, लेकिन कन्वेक्शन हमारी लाइफ में यूज कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। कंडक्शन हमें पता है कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कि एक रोड का कॉर्नर गर्म हो जाता है तो दूसरी का, वो हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस नहीं है, ठीक है, वो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कन्वेक्शन है उनको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कन्वेक्शन करंट इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में क्या होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो कोस्टल एरिया, पहले तो क्या होता है, कोस्टल एरिया होता है जहाँ पे लैंड और सी नियर बाय होते हैं, कोस्ट होते हैं, ठीक है, सीज के जो कोस्ट होते हैं, ठीक है, वो कोस्टल एरिया होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती रहती है दिन में भी रात में भी, तो कैसे गर्मी होती है फिर भी कैसे चलती है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। दूसरा वेंटिलेशन इन रूम, रूम में वेंटिलेशन कैसे होता है, ठीक है, ये भी कन्वेक्शन से होता है। कैसे, कि जो गर्म हवा होती है वो बाहर चली जाती है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है बेटा वो हल्की होती है, हल्की, लाइट इन वेट, तो वो ऊपर जाती है। इसका एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जब हम पानी उबालते हैं, ठीक है, तो उसकी भाप कहाँ जाती है, साइडों में तो नहीं फैलती ना, सीधा ऊपर जाती है ना, ऊपर जाती है ना, तो वो क्यों जाती है, क्योंकि वो गर्म हवा है, वार्म एयर है, वो ऊपर जाती जाएगी, ठीक है, और जो आपके दरवाजे खिड़कियां हैं वहां से वो गर्म हवा बाहर निकलती जाएगी, ठंडी अंदर आती जाएगी, ठीक है। रूम हीटर्स कैप्ड ऑन फ्लोर, फ्लोर पे क्यों रखते हैं, वो भी यही है कि वो जो वार्म एयर है वो ऊपर ही उठती जाएगी और वो सारे रूम को गर्म कर देगी। अगर आपने इसको बहुत ऊंचे प्लेस पे हीटर को रख दिया तो वो जो वार्म एयर है वो और ऊपर जाएगी, तो वो रूम को गर्म नहीं करेगी, वेंटिलेट हो जाएगी बाहर। एयर कंडीशनर्स आर फिटेड एट ए हाई लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम। जो एसीज होते हैं आपके घरों में, एसी होंगे, विंडो एसी, वो आप बिल्कुल जमीन के साथ तो नहीं लगाते, ऊपर लगाते हो, क्यों, क्योंकि जो कूलर एयर है ना, जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है, ठीक है, वो हैवी होती है, भारी होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगी, जो कूलर एयर है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, या उसके मतलब लेवल में मूव करेगी या उसके नीचे मूव करेगी। तो क्या होता है कि जो कूलर आपने उसको नीचे लगा दिया, ठीक है, तो वो नीचे नीचे ही हवा रहेगी, आपने ऊपर लगाया तो वो नीचे आएगी तो पूरे रूम में ठंडा कर देगी, ओके। वो अलग बात है कि आप फैन की हेल्प से उसको
घुमा लेते हो, पूरे रूम में कर लेते हो, लेकिन वैसे जो एयर कंडीशनर की हवा है वो नीचे की तरफ या उसके लेवल में ही मूव करती है, ऊपर की तरफ नहीं उठती क्योंकि वो हैवी होती है। ओके, अब इसकी ही एप्लीकेशन में, कनेक्शन की एप्लीकेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो कोस्टल एरियाज पे जो हवाएं चलती हैं वो इसकी एप्लीकेशन, देखो फर्स्ट ही एप्लीकेशन थी ना कन्वेक्शन करंट इन कोस्टल एरिया, तो ये कन्वेक्शन करंट है ना जो कोस्टल एरिया में, वही है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीज मतलब ठंडी हवा, ठीक है, लैंड पे जब लैंड पे ठंडी हवा चलती है, ठीक है, सी ब्रीज मतलब ब्रीज अगेन ठंडी हवा, सी मतलब जब समुद्र पे चलती है, ठीक है, तो मूव करती है मतलब समुद्र से। सबसे पहले लैंड ब्रीज, लैंड इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, लैंड बहुत अच्छा कंडक्टर है बेटा हीट का, इट कूल्स फास्टर एज कंपेयर टू सी वाटर। ये देखो लैंड का क्या है, लैंड की एक प्रॉपर्टी है, सी की भी एक प्रॉपर्टी है, लैंड की क्या प्रॉपर्टी है, जमीन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, सी की क्या प्रॉपर्टी है कि वो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आप एक किसी भी यूटेंसिल्स में, किसी भी अपने बर्तन में पानी लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए, और ज़मीन तो है ही, तो आप चेक करना विदिन 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो आपकी ज़मीन है, जो आपका लैंड है, वो बहुत तेज़ गर्म होगा, लेकिन पानी इतना तेज़ गर्म नहीं होगा ना। तो उससे क्या मतलब आपको समझ आया कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है। ऐसे ही धूप चली गई, ठीक है, सन सेट हो गया और आपने फिर देखा, आपने पानी भी गर्म करके रखा है और लैंड भी बहुत गर्म है, तो वो लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन पानी इतनी जल्दी ठंडिया नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है, लेकिन जो सी है, वाटर है, वो बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो लैंड इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, लैंड हीट का अच्छा कंडक्टर है, वो गर्म भी जल्दी हो जाता है ठंडा। इट कूल्स फास्टर एज कंपेयर टू सी वाटर ड्यूरिंग द नाइट। अब नाइट है, सन तो है नहीं, सन नहीं है तो गर्मी भी नहीं आ रही लैंड पे, गर्मी नहीं आ रही तो वो ठंडा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्या होता है फिर जब लैंड मतलब जमीन आपकी ठंडी हो जाती है, कोस्टल एरिया आपका ठंडा हो जाता है, ड्यूरिंग द नाइट लैंड लूजेज हीट फास्टर देन वाटर, वो पानी से बहुत जल्दी अपनी हीट को हटा देगा और ठंडा हो जाएगा एंड बिकम्स कूलर। द एयर और द सी इज नाउ वार्मर, क्योंकि देखो धरती गर्म है तो उसके ऊपर जो हवा है जमीन के ऊपर वो भी गर्म है। अब अगर ठंडी कोई चीज़ है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी होगी। जैसे आपने एक पानी उबाला एक पतीले में, ठीक है, एक आपके बर्तन में पानी उबाला, तो उसके ऊपर आप हाथ रखोगे तो जहाँ जहाँ उसकी हवा जा रही है वो भी गर्म है, ठीक है, लेकिन अगर ठंडा पानी है तो वो ठंडक ही देगा, आप हाथ ऊपर रखोगे तो, है ना। जैसे आप फ्रिज ओपन करते हैं तो ठंडी ही हवा आती है ना, ऐसे ही लैंड अब ठंडा हो गया है तो जो उसके ऊपर जो हवा है, जो उसको लैंड से मिल रही है, वो ठंडी ही होगी, ठीक है। लेकिन जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, जो पूरा दिन सन ने उसको गर्म किया, तो वो अभी गर्म है, ठीक है, तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो कंपैरेटिवली गर्म होगी, ठीक है, आपको समझ आ गया। नाइट में क्या होगा कि जो सन है, जो लैंड है, वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाता है, सन के सेट होने के बाद वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो आपका वाटर है, जो आपका सी है, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, वो स्लो स्लो करेगा, ठीक है। तो जो उसके सी के ऊपर जो हवा है वो गर्म है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गर्म हवा होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो जो सी के ऊपर जो हवा है ना, जो एयर है, वो ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। देखो जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ, ये जो रेड वाली है ना, ये सारी सी की एयर है, ठीक है, तो ये सी की एयर ऊपर चली गई और उसकी जगह कौन सी एयर आ गई,
ठंडी हवा आ गई, क्योंकि खाली जगह बन गई ना, और हमें पता है एयर है, गैस है, वो तो मूव करती रहती है, उसको स्पेस जहाँ मिलेगा वो उतना ही फैल जाएगी। तो जो यहाँ से लैंड से जो ठंडी हवा थी ना, वो यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये क्या हुई, जो आपकी हवा ऊपर चली गई लैंड मतलब सी की, वो क्या करेगी, वो वापस लैंड की तरफ आएगी और ऊपर जाके वो वैसे भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो सी के कांटेक्ट में तो रहेगी नहीं। फिर वो कहाँ आ जाएगी, लैंड पे आ जाएगी, और ऐसे ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है और हमें ठंडी हवा मिलती रहती है, हवा ठंडी चलती रहती है। तो ये लैंड ब्रीज होता है, जब लैंड से ठंडी हवा आती है। लैंड से ठंडी हवा कब आएगी, रात में आएगी, क्योंकि उस टाइम सन नहीं होता और लैंड बिल्कुल कूल डाउन हो जाता है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। I think it is clear to all of you, ठीक है। If you have any problem, then comment in comment box, beta. Please do comments in comment box so that I can understand how much you relate with me. Okay. Land breeze हो गया, एक बार और repeat करती हूँ। Land breeze मतलब जमीन पे जो ठंडी हवा चलती है, कब चलेगी जमीन पे, रात में चलेगी। क्या होगा, जो लैंड है वो ठंडा हो गया है, लेकिन सी वाटर जो है वो गर्म है, तो सी वाटर के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म है, वो ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि वो लाइटर होती है ना। लैंड सी वाटर के ऊपर जो हवा है गर्म है, गर्म हवा लाइटर होती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और उसके प्लेस पे जो लैंड से हवा चल रही है वो आ जाती है, जो कि ठंडी होती है। फिर वो जो गर्म हवा है वो ऊपर जाके थोड़ा ठंडा हो जाएगी, और वो फिर लैंड पे जाएगी, और वो फिर ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगी, और ऐसे लैंड ब्रीज चलती रहेगी रात को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सी ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होता है, इससे उल्टा हो जाता है। दिन में क्या होगा, दिन में सन बहुत तेज तपा रहा है, सब कुछ जमीन बिल्कुल गर्म है, लेकिन पानी उतना गर्म नहीं है, है ना, क्योंकि सुबह होते होते तो पानी अच्छे से ठंडा हो गया ना, और अब सन राइज हो गया, तो सन की जो गर्मी है वो उसको धीरे धीरे गर्म करेगी शाम तक, सुबह सुबह नहीं करेगी, है ना। तो जो सी के ऊपर जो हवा है वो ठंडी है, लेकिन लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म है। तो जो लैंड की हवा है वो ऊपर राइज कर रही है, देखो ये राइज कर रही है ना ऊपर, और जो ये सी की जो हवा है जो ठंडी है वो उस लैंड की हवा की जगह आ रही है, उल्टा चल गया ना। पहले क्या हो रहा था, लैंड से सी पे हवा जा रही थी, अब सी से लैंड पे आ रही है, क्योंकि अब सी ब्रीज है दिन में, ठीक है। तो वो लैंड पे आ गई और वो जो हवा ऊपर गई, उसका लैंड से कांटेक्ट हट गया, तो ऊपर जाके थोड़ी ठंडी हो जाएगी और फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स इक्वली ऑन द लैंड एंड द सी। सन क्या है, इक्वली शाइन करेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं जमीन को ज्यादा धूप देगा और सी को कम धूप देगा, इक्वल देगा ना, इक्वली हीट जनरेट कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन लैंड हीट्स अप क्विकली, क्योंकि उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा, एज कम्पेयर टू सी वाटर। सी वाटर से वो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जल्दी गर्म होगा तो उसके ऊपर की जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि वो हल्की हो जाएगी। देखो ये रहा, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर एंड राइजेज अप, वो ऊपर चली जाएगी। अब क्या है, द एयर फ्रॉम द सी विच इज कूलर एंड हैवियर रशेज टू टेक प्लेस क्रिएटेड बाय हॉट राइजिंग एयर। हवा ऊपर चली गई तो वहां पे क्या होगी, वैकेंसी हो गई, है ना, और वैकेंसी होते ही तो भाग के कोई ना कोई वहां घुसेगा, तो जो ठंडी हवा है वो फटाफट वहां पे अपनी जगह ले लेगी, ठीक है। और इस तरह से देयरफॉर अ सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग द डे। आपको याद रखना है सी ब्रीज डे में होगी और लैंड ब्रीज नाइट में होगी, और आपको डायग्राम भी प्रॉपर आना चाहिए, है ना बेटा। और आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास में, ये 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो जितने ज़्यादा मार्क्स में आएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन भी आ सकता है दोनों में, है ना, अगर आपको क्लियरली ये दोनों समझ आ गए तो आप इजीली कर सकते हो। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होता है,
चाय, गरम चाय की प्याली ला, है ना। तो गरम चाय की प्याली में क्या होगा, गरम चाय की प्याली में क्या होगा कि आपने चाय बना के रखी, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी हीट है एटमोसफेयर में रेडिएट कर देती है। इसका मतलब आपने तो उसको कोई मीडियम दिया ही नहीं, कोई मीडियम दिया आपने वो तो सीधा हवा में रेडिएट हो गई, है ना। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम। अब आपकी गर्म चाय की जो प्याली है उसमें से जो हीट है वो रेडिएट होके हवा में चली गई, क्योंकि हवा ठंडी है आपकी प्याली के कंपैरिजन में। अब आप कहोगे नहीं मैम, गर्मियों में तो बहुत गर्म हवा होती है। गर्म हवा होती है लेकिन फिर भी वो आपकी चाय का जो कप है, ठीक है, आपकी टी है, उससे तो ठंडी ही होती है ना। तो जो ज़्यादा हॉट होगा वो रेडिएट कर देगा अपनी हीट को विदाउट एनी मीडियम। अब उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ना उसको, वो विदाउट एनी मीडियम। उसमें क्या था कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो रहे थे ना। अब इसमें क्या है, इसको मीडियम चाहिए ही नहीं। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, देखो आपको जो सन है उसकी रेड हम पढ़ते हैं ना, सन रेडिएशंस, है ना। तो वो रेडिएशंस क्या होती हैं, उसकी जो हीट एनर्जी हमारी मतलब हमारी अर्थ पे आ रही है, दैट आर रेडिएशंस ऑफ सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल और क्या है देखो, अब आप हेयर ड्रायर से अपने हेयर्स को ड्राई करते हो, ठीक है, क्या आप टच करते हो अपने हेयर्स को ड्रायर से? नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं है ना, मीडियम नहीं है ना कि आपने हीट को ट्रांसफर किया अपने ड्रायर से और अपने बालों पे। देखो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है, स्पेस है बीच में, है ना, तो मीडियम चाहिए ही नहीं। तो वो जो हीट है जो आपके हेयर ड्रायर से निकलती है वो आपके बालों तक जा रही है, ठीक है, और उनको सुखा देती है ना, ड्राई कर देती है। इसीलिए हेयर ड्रायर भी इस पे काम करते हैं। कोई भी गर्म आपका खाना जो ठंडा हो जाता है, दूध है, चाय है, ठीक है, आपकी सब्जी है, कुछ भी जो ठंडा हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, हीट रेडिएशन की वजह से, ठीक है, रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ओके, नाउ दिस कंप्लीट्स योर पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर हीट, ठीक है। अभी हमारा इसमें बाकी है, क्या बाकी है कि हम पढ़ रहे हैं हीट 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 हीट, है ना, हीट के मोड भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिया हमने, लेकिन अभी हमें हम हीट मेज़र किस में करेंगे वो हमें हमने नहीं पढ़ा। हीट को हम मेज़र कैसे करते हैं, टेम्परेचर, गर्मी को कैसे, थर्मामीटर से, है ना। तो अब वो जो थर्मामीटर वाला है और टेम्परेचर स्केल की जो बातें हैं वो हम करेंगे इसके पार्ट टू में। तो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय कमेंट बॉक्स, है ना। हमारे पास सबसे अच्छा मेथड है कॉन्टैक्ट करने का, कमेंट बॉक्स, ठीक है। इफ यू कमेंट योर प्रॉब्लम then I am able to give you solutions also. So beta, please, if you have any issue regarding the topics, kindly write in comment box so that I can understand your problems and try to resolve that problems. Okay, and continue your studies, do practice, do learning, completely understand the topics so that next time जब आप revise करो तो आपसे कौन से कोई भी problem ना हो उनसे related। Okay, thank you very much. Subscribe my channel, like my videos if you understand the topics well and if you want to appreciate my efforts. Okay, thank you very much, Peter.